एडजेक्टिव है, नाउन, ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब एडजेक्टिव क्या होता है देखो, ये एक पर्सन है, कौन है? Person. एक पर्सन है। अगर पर्सन है तो ये हुआ कौन? क्या हो गया? अगर हम इसका नाम दे दें राम, तो राम हो क्या गया? अगर इसी का मुझे प्रोनाउन लिखना हो तो इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा? इसका मतलब इसी का ये प्रोनाउन हो गया। जब प्रोनाउन होता है वो नाउन से ही आता है, किससे आता है? नाउन से आना। इन दोनों को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसके दो काम होते हैं, कितने काम होते हैं? दो। कौन कौन से? नाउन या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। अब जो हमें पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? एडजेक्टिव के बारे में पढ़ना। अब ये एडजेक्टिव वर्ड होता क्या है? अच्छा, वैसे इसमें कहा जाता है, सही बात है ये, कि जो डीजे लिखा है, क्या लिखा हुआ है? डीजे लिखा हुआ है। जैसे एक वर्ड लिखा है ये, एक वर्ड लिखा है ये, इसमें जो डी के बाद जो जे आता है, क्या आता है? डी के बाद जो जे आता है उसमें जो डी रहता है वो साइलेंट रहता है। कैसा रहता है? Silent. तो इसको क्या पढ़ोगे? एडजेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक। स्पेलिंग में ये चीज बहुत काम आती है। दूसरी चीज, अब एडजेक्टिव होता क्या है, किसके लिए होता है? देखो पीछे हटा दें, ये चीज पढ़ा चुके हैं, इतनी चीज हम बता चुके हैं, ठीक। अब एक लड़का है, कौन है ये? इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दे दी। देखो अब ये देखने में कैसा लग रहा है? स्मार्ट लग रहा है कि नहीं? देखो बाल लगा दिए, ठीक। इसको एक इतना लैपटॉप समझ लो या बॉक्स ऐसे पकड़ा दिया, ठीक। तो जैसे इसको बॉक्स पकड़ाया तो उसकी शक्ल कैसे हो गई? ऐसे हो गई। तो सैड लग रहा, कैसे लग रहा? सैड लग रहा, ठीक। ऐसे ही लैपटॉप पकड़े हुए उसके ऊपर एक और चीज रख दी तो ये बॉक्स कैसा हो जाएगा? बहुत ही हैवी हो जाएगा। तो इसका मुंह और खतरनाक बन जाएगा, ठीक। तो देखो यहां पे तीन वर्ड निकल कर आए, क्या निकल कर आए? ये स्मार्ट कौन है? ये बॉय। सैड भी कौन है? और हैवी क्या है? बॉक्स, ठीक। जैसे अगर हम लिख दें ये बॉय जो है वो कैसा है? Smart. तो बॉय तो पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है? Noun. तो ये नाउन कैसा? Smart. अभी जो पहली जो इसकी पोजीशन थी वो कैसा था? स्मार्ट लग रहा था। तो ये स्मार्ट वर्ड क्या हो गया? Adjective. अब कैसा लग रहा है? Sad. तो बॉय कैसा? Sad. ये हो गया नाउन और ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। बॉक्स हैवी था कि बॉय हैवी था? Box. तो मैंने क्या लिखा? हैवी बॉक्स। तो ये हो गया नाउन, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव यहां से छोटे से फिगर से क्या समझ में आया? क्या होता है एडजेक्टिव? तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन, ये ही भी हो सकता है या राम भी हो सकता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन, या इसमें एक मैंने थिंग भी रख दी लैपटॉप, तो लिविंग भी हो सकता है वो चीज और नॉन लिविंग भी हो सकता है, उसके बारे में अगर आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन दे दी, क्या दे दी? एक इसमें वर्ड आता है क्वालिटी, नाउन इज द वर्ड, नाउन सॉरी एडजेक्टिव इज द वर्ड क्वालिफाई या नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। तो क्वालिटी जो होता है ये किसी इस बात को पूरा नहीं करता, क्या नहीं करता? एडजेक्टिव बता तो देता है लेकिन पूरा नहीं करता। क्या पूरा नहीं करने का मतलब? एडजेक्टिव जैसे क्वालिटी की बात करें तो गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, इतना करने के बाद एडजेक्टिव हमारा खत्म हो जाता है अगर क्वालिटी की बात करें। लेकिन एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन दे दे। क्या दे दे? इंफॉर्मेशन छोटी भी हो सकती है और इंफॉर्मेशन बड़ी भी हो सकती है। तो ये तो हो गया जनरल एडजेक्टिव, कौन सा? बिल्कुल छोटे छोटे, ठीक। अब इसी में हम एक एडजेक्टिव और देखते हैं थोड़ा अच्छा सा, बताना इसमें एडजेक्टिव कौन सा है। इज वेरी कॉस्टली, इस सेंटेंस में आपको बताना है कि एडजेक्टिव क्या है, कहां पर है एडजेक्टिव?
वेरी एडजेक्टिव है, समझ सकते हैं ठंड है लेकिन इतनी भी ठंड नहीं है, ठीक। एडजेक्टिव कहाँ पर है? कॉस्टली, पर ये तो एलवाई पे खत्म हो रहा है और एलवाई पे जो खत्म होता है वो तो एडवर्ब होता है, एडवर्ब होता है, तो फिर कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे? तो इसके लिए एक ही मेथड है पार्सिंग। ऐसे एक नहीं होते, बहुत सारे वर्ड होते हैं जो एलवाई पे खत्म होते हैं लेकिन वो एडवर्ब नहीं होते, एडजेक्टिव होते हैं, ठीक। देखो ये है एडवर्ब, ये तो पढ़ी चुकी थी, जानते हो अच्छे से। ये कॉस्टली वर्ड किसके लिए आया है? इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, किसके लिए आया? पेन एक नाउन है कि नहीं? अच्छा, कैसे पता पेन नाउन है? अगर आर्टिकल लगा है तो आर्टिकल हमेशा किसके लिए आता है? नाउन के लिए। इस पेन की ये है क्या इंफॉर्मेशन कह लो या क्वालिटी कह लो? इस पेन की ये इंफॉर्मेशन है तो पेन कैसा? कॉस्टली। ये क्या हो गया? कितना कॉस्टली? तो एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव की जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होता है? एडवर्ब। अब देखो एक ये वर्ब है और एक, तो अगर दो वर्ब हैं तो सब्जेक्ट भी कितने होनी चाहिए? दो। इसका पहला सब्जेक्ट इज का जो सब्जेक्ट है वो कौन है? इसका मतलब ये जो इज आया है वो किसके लिए आया है? अब इस बॉट का सब्जेक्ट कौन है? ठीक, और ये अभी हम पढ़ चुके हैं रिलेटिव प्रोनाउन होता है, कौन होता है? अगर हम आपसे कहें कि इस एडजेक्टिव के अलावा इस सेंटेंस में एक एडजेक्टिव और है तो बता सकते हो दूसरा एडजेक्टिव कौन सा है? वेरी गुड, विच आई बॉट। कैसे पता चला कि विच आई बॉट एडजेक्टिव है? तो देखो इस पेन की ये इंफॉर्मेशन है, क्या है? देखो पेन जो है वो बहुत कॉस्टली, कौन सा पेन बहुत कॉस्टली? विच आई बॉट। तो इस नाउन की ये जो इंफॉर्मेशन है यहां से लेकर ये पूरा का पूरा आपका क्या है? और इसको एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। अब जरा आप इसी बात को क्वालिटी से बताओ कि नाउन की क्वालिटी, तो ये नाउन की क्वालिटी नहीं है, इस नाउन की एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना? तो एडजेक्टिव क्या होता है? या तो वो किसी भी नाउन की जनरल में अगर बोले तो ये हो गया स्मार्ट, सैड, और ये कौन सा हो गया? फ्रेज वाला। इसी में आपका पार्टिसिपल आता है, ठीक है ना? पार्टिसिपल के भी तीन टाइप होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, वो थोड़ा अलग हटके। इतने में कोई डाउट सा है? ये डे हो गया नाउन, डे कैसा? गोल्ड। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव के चैप्टर में अब तो हमने जान लिया एडजेक्टिव, लेकिन हमारे चैप्टर में इसमें एग्जामिनर पूछता है कि एडजेक्टिव में आता क्या चीज है। देखो वो समय चला गया कि जब आपसे ये पूछा जाएगा कि बिग की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, आप अपोजिट बता रहे हो, बिग का कंपैरेटिव डिग्री बिगर। अब ये सब चीजें नहीं पूछी जाती हैं, हमसे जो पूछा जाएगा वो आपसे एडजेक्टिव में टॉपिक होता है कंपैरिजन, क्या होता है? कंपैरिजन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेंस में, या फिल इन द ब्लैंक्स के सेंस में, या तो एरर के सेंस में। तो हम देखेंगे इसमें कंपैरिजन कैसे किया जाता है, ठीक। जुकाम भी बहुत तेज है जो पढ़ा रहा है, ठीक। देखो भैया जी, अब भैया जी ने कैप पहनी है, क्या पहनी है? कैप। ये कैप देखने में कैसी लग रही है? नेपाली कैप लग रही है, ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं नेपाली कैप का मतलब नेपाली वर्ड क्या हो गया? एडजेक्ट। और नेपाल अगर बोल दे तो नाम हो गया। हमें जो इसमें पढ़ना है वो पढ़ना क्या है? कंपेरिजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, बड़ा ही चटपटा होता है, ठीक। हमें याद है करना क्या नहीं है किसी भी टॉपिक में, हमें रूल्स का मेथड नहीं अप्लाई करना है। पढ़ना कैसे? प्रैक्टिकली पढ़ना जैसे जानते हैं। अच्छा, एक कंपैरिजन जो वर्ड लिखा है, अगर हम आपसे इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे तो क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, क्या है? कंपैरिजन जो वर्ड लिखा है ये क्या है? नाउन लिखा। वेरी गुड। कैसे पहचाना नाउन लिखा है? वर्ड तो नाउन हो गया, ठीक। यहाँ पे कैसे पहचान लिया कि ये नाउन है? हाँ, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या है और उसमें जो वर्ड होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ठीक, ये नाउन हो गया, कोई दिक्कत? तो कंपैरिजन के बारे में हमें पढ़ना है। आगे देखो,
कंपैरिजन पढ़ने के लिए इसमें हमें एक चीज क्या पढ़नी पड़ती है, डिग्री कितने प्रकार की होती है, पांच प्रकार की कि छह प्रकार की, तीन प्रकार की होती है। ठंडी है लेकिन दिमाग काम कर रहा है। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, ठीक। इस चीज को थोड़ा पहले भी बता चुके हैं कि पॉजिटिव क्या होती है, कंपैरेटिव भी क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। कंपैरेटिव डिग्री जो होती है हमें कंपैरिजन सीखना है, तो इस वजह से हमें इसके बारे में, अच्छा कंपैरेटिव डिग्री जो बनी है वो बनी कहां से है, कहां से बनी है? कंपेयर का मीनिंग क्या होता है? तुलना करना। क्या करना? तुलना करना, ठीक। जैसे एक आपने देखा होगा कबाड़ी वाला ऐसे कुछ लिए रहता है, इसको हिंदी में ऐसे कुछ होता है, क्या बोलते हैं? तो ये कंपेयर करता है, क्या करता है? अगर इधर 1 kg का कुछ आइटम है तो इधर जब तक 1 kg का नहीं होगा तब तक ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये वाली जो प्लेट है अगर इसको हम आयरन की कर दें, किसी कर दें, और ये वाली जो प्लेट है इसको अगर हम प्लास्टिक की कर दें, तो कंपेयर सही होगा कि गलत होगा? क्यों गलत होगा? इसका मतलब अगर ये आयरन है और ये प्लास्टिक है तो जाहिर सी बात है इसका वेट पहले से ही क्या होगा, और इसका वेट उससे हल्का हो जाएगा। इसमें फिर अगर 1 kg करेंगे तो कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा। इसका मतलब जो भी हम कंपेयर करते हैं वो कैसा करते हैं? सेम थिंग्स का करते हैं। किसका करते हैं? सेम थिंग्स का करते हैं। अगर हम कंपेयर की बात है ना, स्मार्ट वाले भैया, ये जो भैया जी का पेन है मेरे मार्कर से हल्का चलता है, ये कंपैरिजन सही कि गलत? कैसे गलत हो सकता है? दो ऑब्जेक्ट नहीं है, मार्कर का मार्कर से होगा। वेरी गुड। मैंने अगर बोल दिया कि देखो ये टोपा ये भैया जी का है और ये, अगर इन हम दो टोपों की कंपैरिजन करें तो सही कि गलत? सही है, सही है, क्योंकि ये भी कैप है और ये भी क्या है? कैप है। लेकिन अगर हम इस कैप का कंपैरिजन इस डस्टर से करें जिससे इंक साफ करते हैं, तो क्या कंपैरिजन सही होगा? गलत होगा। अच्छा इन दोनों के अगर हम कपड़े की क्वालिटी की बात करें तो सही हो सकता है, इसका कपड़ा और इसका कपड़ा दोनों के अगर कॉस्ट की बात करें तो हो सकता है, लेकिन इनकी बात करें, जैसे अगर हम बोल दें इनका टोपा और इनका टोपा, तो इनका वाला टोपा इनके वाले टोपे से ज्यादा गोल है, कंपैरिजन हो गया? गोल तो ये भी है और गोल है। तो इसमें कंपैरिजन ऐसे नहीं होगा। तो देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। देखो क्या है क्वेश्चन, कंपैरेटिव डिग्री में, सॉरी कंपैरिजन करने में कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज होगा, ठीक। अब देखो पहला क्वेश्चन, राम इज टॉलर देन, इधर आई लिखा है और इधर भी लिखा है। ये बेसिक एग्जांपल है, बहुत पहले पढ़ चुके होंगे, इजी है, ठीक है ना। इसमें कुछ हवा बनाने की जरूरत नहीं है कि अच्छा मी नहीं नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं, इजी। देखो अभी हमने बताया क्या कि जो कंपैरिजन होता है हमेशा दो सेम थिंग्स का होता है, किसका होता है? लेकिन ग्रामर में अगर बात करें तो सेम थिंग्स में ग्रामर में भी कुछ चीजें होती है। जैसे अगर आप कंपैरिजन सब्जेक्ट का कर रहे हो, किसका कर रहे हो? तो उधर भी क्या होना चाहिए? इधर अगर ऑब्जेक्ट है तो उधर भी, एक ग्रामर में ये चीज देखनी रहती, जरूरी नहीं कि सिर्फ हम थिंग्स ही देखें, ठीक है ना। थिंग्स वाला इजी हो जाता है। अब देखो इधर इस सेंटेंस में कंपैरिजन किसका किसका हो रहा है? राम का कंपैरिजन किससे हो रहा है? इनसे हो रहा है, ठीक। देन जो होता है वो शो करता है कि सेंटेंस में कहीं ना कहीं कंपेयर किया गया, क्या किया गया? कंपेयर किया गया। ये जो इज है वो किसके लिए आया है? तो राम क्या हो गया इस सेंटेंस का? इसका मतलब जो राम का कंपैरिजन हो रहा है तो राम का केस यहां कैसे है? सब्जेक्ट है। और इसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? तो अगर ये सब्जेक्ट में है तो ये भी कैसा होना चाहिए? इसमें ये सब्जेक्ट होता है कि ये सब्जेक्ट? तो आई जो होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है, मी क्या होता है? लेकिन स्पीकिंग में मी ही बोलना, अगर आप स्पीकिंग में कहीं जाके आई बोलने लगे, वैसे ग्रामेटिकली आई सही होगा, लेकिन कहेंगे लो
स्मार्टनेस दिखा रहे हैं, ठीक। मी आप बोल सकते हो स्पीकिंग, क्योंकि ये प्रचलन में चल चुका है तो इसको चलने दो, डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। बचपन से अगर आप वाउल बोलते आ रहे हो तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तुमने बनने की कोशिश की वैसे इसको वाउल बोला जाता है, लेकिन बनने की कोशिश करने के चक्कर में, हाँ नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप स्पीकिंग कर रहे हो, अगर आप अच्छी जगह बोल रहे हो तो यूज करो इसको, अच्छा ठीक है ना। लेकिन क्लास में सब चलता है, कोई दिक्कत। तो छोटा सा क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन मैंने अगला क्वेश्चन लिखा। अच्छा आप लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, सॉरी क्या सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हो? इंग्लिश। मैथ जैसे मुझको मैथ बिल्कुल नहीं आती, ठीक। देखो इधर मैंने क्या लिखा, मैथ्स हॉन्ट्स मी। हॉन्टेड मूवी देखी है? yes, कैसी मूवी होती है, डरावनी। तो हॉन्ट्स का मतलब क्या हो गया, डरावनी। ये इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। मैथ्स हॉन्ट्स मी मोर देन ही या हिम। अभी सेंटेंस में आपको ये बताना है कंपेयर किसका किससे हो रहा है, किसका कंपेयर किससे हो रहा है। अगर मतलब दिख ना रहा हो, दैट ही या हिम, किसका कंपेयर किससे हो रहा है। सॉरी ये दैट नहीं है, देन है। हाँ तो देखो मैथ्स जो है वो डराती है किसको, मुझको। अच्छा ये सब्जेक्ट है कि नहीं, ये वर्ब हो गया तो ये क्या हो गया। अच्छा ऑब्जेक्ट जो होता है या तो वो व्हाट का आंसर होता है या तो होम का। मैथ्स हॉन्ट्स टू होम मुझे, ठीक। ऑब्जेक्ट मुझे मैथ्स डराती है, ज्यादा डराती है किसके मुकाबले। तो जो कंपेरिजन हो रहा है वो किसका किसका हो रहा है, मी का हो रहा और हिम का हो रहा। इसका मतलब जो मैथ्स है वो मुझे तो डराती ही डराती है, तो वो डरा तो मैथ्स जो है वो मुझे भी डराती है और मैथ्स, लेकिन ज्यादा कौन डरता है, मैं। इसका मतलब जो कंपेरिजन हो रहा है वो इन दोनों में हो रहा है। तो ये केस कौन सा है, इधर भी क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और हिम ऑब्जेक्टिव केस होता है, ही कौन सा केस होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, इसमें कई सारे टाइप होते हैं, कम से कम 10-12 टाइप हैं, ठीक। लेकिन अगर अच्छे से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो तो कोई चीज कठिन नहीं होती, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। मैंने बोला माई आईज आर मोर अट्रैक्टिव देन यू। तो बताओ इसमें कंपेरिजन किसका किससे हो रहा है, सेंटेंस सही कि गलत। आईज का कंपेरिजन हो रहा है किससे हो रहा है। अगर मैं बोलूं आपसे कि मेरी जो आंखें हैं आपसे ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, तो कंपैरिजन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, वैसे भी नहीं है। अगर रियल लाइफ में देखे वैसे भी नहीं है, ठीक। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो कंपैरिजन इसका हो रहा है, किसका हो रहा है। तो इधर क्या तुम चलोगे, मेरी आंखें ज्यादा अट्रैक्टिव है किससे, तुमसे नहीं तुम्हारी। अच्छा तो यहां पर वैसे पहले क्या होना चाहिए, योर आईज। अगर हम इसकी फुल मीनिंग की बात करें तो क्या होना चाहिए, योर आईज। लेकिन अभी जब हमने नाउन और प्रोनाउन पढ़ चुके हैं तो उसमें जानते हैं अगर एक बार नाउन आ जाता है, क्या आ जाता है, ये सब्जेक्ट है, तो क्या हो गया, तो हम दोबारा उस नाउन का उसी सेंटेंस में यूज नहीं करते, उसकी जगह हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का। तो हम यहां पर योर आईज भी लिख, लेकिन हमें दर्शाना तो है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहां पर, योर्स जो होता है वो पजेसिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है, जो जिसका नाउन पहले ही आ चुका होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, अगर हम बात करें तो दिस इज माई या माइन कार, दोनों में से कौन सा आएगा, माई कार, क्योंकि इसके बाद नाउन आना कंपलसरी है, लेकिन इसके बाद नाउन की जरूरत यहां पर क्या हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम, इस नाउन को अगर हम पहले उठा ले आए, दिस कार इज, अब अगर माई लगा दोगे तो क्या हो जाएगा,
यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? माइन का मतलब हो गया इसके बाद जो भी नाउन है इसका जिक्र पहले ही, इसका मतलब इसका इसके साथ ये जो भी नाउन है इसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। तो ये पहला टाइप हो गया सब्जेक्ट का, ये हो गया ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन, ये हो गया पजेसिव केस के साथ कंपैरिजन। किसके साथ हो गया? तीन सेंटेंस है ठीक। इसके बाद देखते हैं प्रपोजिशन के साथ कंपैरिजन, पहले से लिख लीजिए। जो प्रपोजिशन के साथ कंपैरिजन होता है वो थोड़ा सा अच्छा होता है ठीक, जल्दी से नोट करिए। ठीक है बताएं आगे, चलो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है वो प्रेपोजिशन बेस्ड कंपैरिजन है। देखो इसमें एक रूल चलता है, पहले हम रूल बता देते हैं। रूल क्या चलता है कि अगर कंपैरिजन प्रेपोजिशन के साथ हुआ है, अगर प्रेपोजिशन है तो नाउन तो होगा ही होगा, तो उसमें हम एक रूल चलता है दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज करते हैं ठीक, ऐसा नियम पड़ा होगा। तो इसके बारे में जानते हैं क्या, जैसे आज का मौसम कैसा है? बहुत ठंडा है ठीक, कोई बात नहीं। अगर हमको अभी हीटर मिल जाए या कुछ तापने को मिल जाए तो मजा आ जाएगी ठीक। तो हाँ चाय भी मिल जाए ठीक, अभी दोपहर इंतजाम कराते हैं चाय का क्या होता है। देखो तो आज का जो जो कानपुर का क्लाइमेट है ऐसा माना जा रहा है इसके पहले इतनी सर्दी कभी नहीं पड़ी, नहीं पड़ी थी मेरे ख्याल से, जब से हम मेरा जन्म हुआ है तब से तो हमने नहीं देखा। चलो देखो इधर, तो अगर हम बोलेंगे सेंटेंस इसी को द क्लाइमेट ऑफ कानपुर, क्लाइमेट ऑफ कानपुर इज ऑटर देन लखनऊ, तो क्या लिखा हुआ है सेंटेंस? द क्लाइमेट ऑफ कानपुर इज हॉटर देन लखनऊ। अगर इस सेंटेंस में कंपैरिजन की बात करें तो किसका कंपैरिजन किससे हुआ है? लखनऊ का कानपुर से। अच्छा अगर लखनऊ का कानपुर से हुआ है तो किस चीज में हुआ है? क्या कानपुर हॉट हो सकता है? लखनऊ हॉट हो सकता है? तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा दूसरी चीज कैसे पहचानेंगे? देखो ये वर्ब किसके लिए आई है? क्लाइमेट के लिए आई, कानपुर के लिए क्यों नहीं आई? क्योंकि ये क्या है? प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ये क्या हो जाता है? और ऑब्जेक्ट वर्ब, तो इसका सब्जेक्ट कौन है और सब्जेक्ट कौन होता है? तो कानपुर का जो क्लाइमेट है वो गर्म है, देन हो गया कंपैरिजन लखनऊ से, लखनऊ के क्लाइमेट से। तो इसका मतलब हमें यहां से लखनऊ को, अब हमें अगर जोड़ना पड़ेगा तो पूरा क्या जोड़ना पड़ेगा? ये पूरा हटाना पड़ेगा, देन द क्लाइमेट ऑफ लखनऊ ठीक। अब इसमें दूसरी चीज एक बार बताओ, फिर वही चीज, अगर एक बार सब्जेक्ट आ गया नाउन के साथ तो क्या यहां दोबारा फिर से वो नाउन रिपीट होगा? नहीं होगा। तो देखो ये जो नाउन है इसकी जगह कौन लेगा? प्रनाउन लेगा। क्या लेगा? तो इसकी जगह क्या हु और विच लगा सकते हैं? प्रनाउन हु आता है पर्सन के लिए, विच आता है नॉन लिविंग थिंग के लिए या किसी एनिमल के लिए। तो हम इसका प्रनाउन के लिए हम यहां पर क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। इसका मतलब ये जो दैट है वो इसी नाउन का प्रनाउन है। दैट ऑफ लखनऊ का मतलब, ये दैट का मतलब वही क्लाइमेट की बात हो रही है। कोई दिक्कत? इसमें जो बताने वाली बात है वो ये है कि हम ये समझते हैं कि दैट ऑफ होता है और दोज, तो याद रखिएगा इस ऑफ से कोई लेना देना नहीं है। जो चेंज होता है वो दैट चेंज हुआ। बताओ ऑफ कहां चेंज हुआ? ऑफ इधर भी था और ऑफ ऑफ से लेना देना नहीं। इसका मतलब इससे कोई लेना देना नहीं। लेना देना किससे है? कह देंगे ऐसा होता है लेकिन एग्जाम में देखने में दैट ऑफ दोज ऑफ,
लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस आपने की हो तो एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं, जैसे हम आपको बताते हैं क्वेश्चन क्या, देखो ये बना देते हैं अभी लाल बंगले की तरफ, देखो मार्केट अभी हो के आए उधर से, जम के मार्केट लगी हुई है, इतनी ठंडी है, हम तो सोच रहे थे आराम से निकल जाएंगे, लेकिन इतनी ठंडी के बाद भी ऐसी शॉपिंग चल रही, इतनी मार्केट चल रही, कुछ कहने को नहीं। अब गए तो है तो रोड बहुत चौड़ी है, लेकिन ठेले और के बाद ठेले, उसके बाद अतिक्रमण नहीं, अतिक्रमण ठीक है, सब कमा रहे, कमाने तो ठंडी के समय, दो महीने के समय हमने कहा रोड जो थी इतनी चौड़ी थी, 30-35 रह गई। अब धीरे धीरे ऐसे गाड़ी निकाल के धीरे धीरे जा रहे, वही चीज अगर सुबह 6 बजे उस रोड से जाओ तो दो बड़े बड़े ट्रक निकल जाएं, ठीक। तो देखा जाए तो कहां की बात हमने बताई, लाल बंगले की बात बताई। देखो इधर तो मैंने लिखा द रोड्स, क्या लिखा, अराउंड लाल बंगला एक जगह का नाम है, ठीक। अब कोई भी जगह का नाम हो सकता है, द रोड्स अराउंड लाल बंगला, ठीक। उसके बाद देखो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो वर्ब कौन लेगा, रोड्स, कोई दिक्कत। तो मैंने बोला द रोड्स अराउंड लाल बंगला आर, ब्लैक मार्कर का यूज करते हैं, आर वाइडर देन, दूसरी जगह बताए कौन सी ले लेते हैं, कितवाई नगर ले लेते हैं, कोई भी ले लो। अब एक बात बताए सेंटेंस में जो कंपैरिजन हुआ है वो किसका किससे हुआ है, इस सेंटेंस क्या कह रहा है समझना, हम जो ऑफ वाली बात को भी बताने जा रहे हैं कि जो लाल बंगला के चारों तरफ की जो रोड है, अराउंड का मतलब लाल बंगला का किसी भी एरिया में चारों तरफ चले जाए, उसकी जो रोड है वो ज्यादा चौड़ी है किदवई नगर से, गलत है, किदवई नगर की रोड से कि किदवई नगर के चारों तरफ। अगर आपने दैन के बाद ये लिखा, जैसे दैन द रोड्स, दैन के बाद है दैन द रोड्स ऑफ या द रोड्स अराउंड किदवई नगर, तो पहली चीज तो ये कंफर्म करना है कि ऑफ कहां से आ गया, तो ऑफ को छोड़ देते दो मिनट के लिए, इसको तो चेंज कर लेंगे आसानी से, यहां पर क्या हो जाएगा दैट हो जाएगा, ये सिंगल की प्लूरल, एक बार ये आ गया तो दोबारा अगर वही नाउन रिपीट ना हो उसकी जगह प्रोनाउन आता है तो वो प्रोनाउन सिंगुलर होगा कि प्लूरल, तो दैट सिंगुलर के लिए आता है दोज, इसका प्लूरल क्या बनेगा दैट का, तो क्या हो जाएगा। अब एक बात बताओ दोज ऑफ किदवई नगर या दोज अराउंड किदवई नगर, लगा दो आप ऑफ जरा, अगर आपने ऑफ लगा दिया तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो याद रखना ऑफ से मतलब जो प्रेपोजिशन यहां है सेम प्रेपोजिशन, ये नहीं कि यहां अराउंड है यहां ऑफ लगा दिया तो वो गलती हो जाती है, समझ में आया, एडवांस पॉइंट है, ठीक। तो दोज अराउंड किदवई नगर, कोई दिक्कत इतने में, तो ये तो हो गया प्रेपोजिशन के साथ आपका कंपैरिजन, जल्दी से नोट कर लीजिए फिर अगला बताएं। तो अगला जो है, अब इसमें और भी टाइप है, ठीक है, इसमें एक चीज और देख लेते हैं क्योंकि कंपैरिजन है, एक दिन में हो नहीं पाएगा पूरा, दो तीन क्वेश्चन अच्छे अच्छे देख लेते हैं, ठीक, इसी जितना अभी तक बताया इसी पर बेस्ड कुछ कंपैरिजन है, ठीक। पहला वाला इरेज कर दूं, ठीक, इरेज कर दूं, रफ कर दूं। देखो जैसे इस समय किस चीज की खेती चल रही है, गेहूं, गेहूं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वीट। देखो जैसे तो मैंने बोला द वीट ऑफ दिस लैंड इज फाइन, मीनिंग होता है अच्छा, अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, फाइनर देन फाइनर,
हाँ क्या सेंटेंसेस सही है? देखो प्रेपोजिशन वाला है, इधर भी प्रेपोजिशन अभी है नहीं, लेकिन इसका तो दैट है कि सेंटेंस का मतलब क्या है, क्या है सेंटेंस का मतलब? गेहूं बीट इस लैंड का, इस जमीन का जो गेहूं है अच्छा है, उस जमीन से, उस जमीन के गेहूं से अच्छा है ना, अभी क्या लिखा हुआ है, इस जमीन का गेहूं, तो हमें इधर भी क्या चाहिए, वेट चाहिए, इसका मतलब वहां पर ये चीज तो नहीं रहेगी। अब हमें लिखना क्या पड़ेगा, वैसे क्या लिखना पड़ेगा, द वीट ऑफ, क्योंकि ये जो दैट है, ये जो दैट है वो इस नाउन का है एडजेक्टिव, ठीक है ना, इसका प्रोनाउन नहीं है यहां पर, दैट दैट जो है वो प्रोनाउन नहीं। अब रिपीट क्या हुआ, दोबारा ये चीज रिपीट नहीं, तो इस नाउन का प्रोनाउन क्या आ जाएगा, तो जरा आप सेंटेंस पढ़ो, अजीब सा लगेगा लेकिन आंसर है, क्या है, द वीट ऑफ दिस लैंड इज फाइनर देन दैट ऑफ दैट ऑफ दैट, दो बार दैट देखा, ऐसे ऐसे किया, कभी ऐसा देखा नहीं, कभी ऐसा सुना नहीं, खोपड़ी यही मार दी, यही गलती है, हाँ खून निकलने लगा, लेकिन हमने क्या कहा, एक एक चीज को तोड़ कर देख लेना कौन किसके लिए आया, अगर आपको ये चीज आ गई तो अपने आप एरर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं। इसी का एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर लास्ट पॉइंट बताते हैं, ठीक, एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो अच्छा क्वेश्चन है, द ग्रोथ अमंग, एक बात बता देते हैं फिर उसको डिटेल में बता देंगे, इसके बाद टू आता है, इसके बाद देन नहीं आता, इसके बाद क्या आता है, बीच जो ग्रोथ है वो उतनी सेम नहीं है जितनी की जवान, कंपैरिजन किसका हो रहा है, ग्रोथ का हो रहा है, फिर समझना, बच्चों के बीच जो ग्रोथ है वो सिमिलर नहीं है किसके, बड़ों के, बड़ों के बीच की ग्रोथ के, इसका मतलब यहां पर एडल्ट नहीं आएगा, हमें इसके लिए ये चीज लानी पड़ेगी, तो इसके बाद देन तो आना नहीं, टू के बाद क्या लिखेंगे, टू के बाद क्या लिखेंगे, टू द ग्रोथ अमंग एडल्ट, अब रिपीट क्या हो गया, अगर ये चीज रिपीट हो गई तो फिर से यही चीज, इसकी जगह इसका प्रोनाउन क्या आएगा, दैट अमंग एडल्ट, क्या आ जाएगा, दैट अमंग एडल्ट, अब जरा दैट के बाद यहां ऑफ लगाओ, किस बात का ऑफ लगा रहे हो, क्या अगर यहां ऑफ होता तो इसके बाद ऑफ आता, अगर यहां लिखा है इन तो यहां भी क्या होता, अगर यहां लिखा ऑन तो यहां भी क्या होता, ये दैट ऑफ दोज ऑफ वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ, गया का मतलब वो कभी था ही नहीं, लेकिन एग्जाम में सॉरी कि लड़कों के मुकाबले ज्यादा स्मार्ट है, सेंटेंस है कि गलत, सही है, क्योंकि इन्होंने दोनों लड़कों के बीच स्मार्टनेस की तुलना कर दी, किसी कर दी, ऐसे खड़े थे, इतने में क्या हुआ, ट्रेन के आने का समय हो गया, लेकिन दो बच्चे, इन्होंने तारीफ क्या कर दी, दो बच्चे इधर, ऐसा किसी के साथ ना एग्जांपल है, हाथ पर उसके टूट गए, ब्लड वगैरह चारों तरफ बह रहा था, तो ये दोनों लोग पहुंचे जल्दी से वहां पर, जब पहुंचे तो आंखें ईमान है, इसका मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास नाउन